विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल द्वारा आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्चे और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा 24 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो चुनाव में चुनावी खर्चों पर निगरानी रखेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपए की राशि अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पहले अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्चा इसी बैंक खाते से करना होगा। उम्मीदवार द्वारा 10,000 रुपए तक का खर्चा नगद किया जा सकता है। इससे अधिक खर्चा केवल चेक द्वारा ही करना होगा। इन मामलों पर जितने राजनीतिक दल हैं, उनकी मीटिंग खड़ी थी, तीन मामलों पर थी। पहला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में जो चुनाव आयोग की हिदायतें हैं उनको जानकारी देनी थी, उनको बताना था और कैसे उसको हम लागू करवाने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं। और तीसरा मीडिया के बारे में था कि किन एडवर्टाइजमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या परिभाषा है और किन एडवर्टाइजमेंट्स को सर्टिफाई करवाना है, उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा हुई और डिटेल में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव समझाया। कल जो मीटिंग हुई थी, इस बार चुनाव आयोग जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है और जो इलीगल इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसको रोकने के बारे में पूरी तरह सख्त है और 24 डिपार्टमेंट्स जिनमें राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स भी हैं और भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स भी हैं, उन डिपार्टमेंट्स का इसमें सहयोग ले रहे हैं। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले यदि कोई राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा कोई विज्ञापन या प्रचार सामग्री समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जानी है तो उसकी स्वीकृति भी MCMC से लेनी आवश्यक है। लेकिन राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि समाचार पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक रूप जैसे ई पेपर पर वे विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित ना हो। यदि वे ई पेपर पर भी वह विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति MCMC से लेनी अनिवार्य है। न्यूज़ डेस्क।